हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। व्हाट इज कटबैक पिटमन? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कटबैक पिटमन क्या होता है और उसके कितने ग्रेड होते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो कटबैक बिटमन को लिक्विड बिटमन भी बोलते हैं। तो कटबैक बिटमन को बनाने के लिए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। वो नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन या वाइट स्पिरिट हो सकता है। तो हम जानेंगे कि कटबैक बिटमन कितने प्रकार का होता है। तो बिटमन कटबैक में इसकी विस्कोसिटी रिड्यूस की जाती है, सुटेबल सॉल्वेंट डालकर। तो तीन प्रकार के कटबैक होते हैं। रैपिड क्यूरिंग, जिसको हम लोग RC बोलते हैं, मीडियम क्यूरिंग, जिसको MC बोलते हैं, और स्लो क्यूरिंग। ये तीनों टाइप के कटबैक बिटमन ग्रेड में डिसाइड किए जाते हैं उनकी काइनेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से, और जो ग्रेड भी फिक्स होगा वो काइनेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से फिक्स होगा। तो थोड़ा सा विस्कोसिटी के बारे में भी जान लेते हैं। जनरल टर्म्स में विस्कोसिटी को थिकनेस ऑफ फ्लूइड के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो पतला होता है वाटर, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। और अगर हम हनी की बात करते हैं या शहद की, तो वो हाई विस्कोसिटी हो गया। तो जैसे मान लीजिए हम कप में चाय डालते हैं, तो चाय तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही पोर हो जाती है, लेकिन उसी कप में अगर हम शहद डालेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो इस उदाहरण से तो समझ में आ रहा है कि जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उतनी ही उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से इसका ग्रेड डिसाइड किया जाता है। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसके हिसाब से काइनेटिक विस्कोसिटी का SI यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। और इसकी CGS यूनिट में स्टोक बोलते हैं। और सेंट्री स्टोक भी बोलते हैं। तो 1 सेंट्री स्टोक इक्वल टू 1 mm स्क्वायर पर सेकंड। तो ऐसे समझ लेते हैं, वाटर की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक विस्कोसिटी लगभग 1 सेंट्री स्टोक होती है। तो ये तो ऐसे ही समझने के लिए हमने काइनेटिक विस्कोसिटी बता दिया है, कि जिससे कि पता चल जाए कि काइनेटिक विस्कोसिटी होती क्या है।
तो पहले हम बात करते हैं रैपिड क्यूरिंग के बारे में। रैपिड क्यूरिंग को ब्लेंड किया जाता है नेप्था से, और इस रैपिड क्यूरिंग को चार भाग में बांट दिया गया है, RC70, RC250, RC800, RC3000। तो आप समझ गए होंगे ये 3250 और 800 और 3000 है, ये सब इसकी काइनेटिक विस्कोसिटी है। तो एज पर IS-217, RC70 और RC250 यूज की जा सकती है जहां पर टेम्परेचर जीरो हो या जीरो से कम हो, या कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो जहां पे हमको इमल्सन नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे हम लोग रैपिड क्यूरिंग यूज कर सकते हैं। मीडियम क्यूरिंग, वो मीडियम क्यूरिंग को केरोसिन से ब्लेंड करते हैं और इसका डिवीजन 5 भाग में है, 30, 70, 250, 800, 3000। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 30, 70, 250, 800, 3000, ये सारा सब काइनेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं। तो MC30 और MC70 ग्रेड जो है वो उसको प्राइमर के रूप में यूज किया जाता है। एज पर IRC-16, MC30 को WBM या WM में यूज करते हैं, इसको ही ज्यादातर हाईवे में यूज करते हैं। पहले ये ज्यादा यूज होता था, लेकिन अभी आजकल तो इमल्सन यूज होता है। और अगर स्टेबलाइज सॉइल बेस हो तो वहां पे MC70 यूज कर लेते हैं, और गैनुअल बेस हो, क्रसन रन मैकाडम हो, तो वहां पर भी MC250 यूज किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो इसका पेनिट्रेशन लगभग 8 से 10 mm होना चाहिए। तीसरा है स्लो क्यूरिंग, इसमें भी चार प्रकार के ग्रेड हैं, 70, 250, 800, 3000, और इसका कहीं कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है। इसको वाटर प्रूफिंग में यूज किया जाता है, और कभी कभी अगर इमल्शन उपलब्ध ना हो तो इसको प्राइमिंग में भी यूज करते हैं। तो कटबैक बिटमन यूज करने का एडवांटेज क्या है? तो कटबैक बिटमन को इमल्शन के कंपैरिजन में यूज करने में एडवांटेज ये है कि इसमें बिटमन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसमें बिटमन 80% रहता है लगभग, और इमल्शन में 40 से 65% तक रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जब क्यूरिंग हो जाती है तो रोड पर बिटमन का ज़्यादा परसेंटेज रह जाता है, इमल्सन में कम परसेंटेज रहता है।
आशा करता हूँ कि कटबैक बिटमन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।